वेल दोस्तों, एंड्रॉइड 14 का लेटेस्ट अपडेट मोटो एच 40 नियो के अंदर में बहुत सारे यूजर्स को अब दिया जा रहा है। वैसे में मुझे कुछ कमेंट्स वगैरह आए हैं कि एक प्रॉब्लम दिक्कत वगैरह फेस हो रहा है, एंड आई एम श्योर कि ये वाला प्रॉब्लम जो है ना आपके मोबाइल में भी प्रॉब्लम ये देखने को मिल सकता है, तो उसी के बारे में सारा चीज बात करेंगे। अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं दोस्तों, सारे डिटेल सारे प्रॉब्लम्स को मैं जड़ से डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं। तो देखो, एक यूजर का जैसा यहां पर देख रहे हैं कि आपको कहना है कि यहां पर जब जैसे इन्होंने अपडेट किया है, इनके बाद में जो ना इनका इंटरनेट और 5G वगैरह काम नहीं कर रहा है, और ऐसे में मैंने बहुत सारे और कमेंट्स देखे जिनका कि अपडेट होने के बाद में इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। स्पेसिफिकली बात करें तो 5G का इश्यू आ रहा है। अब देखो, जब भी ये फोन्स वगैरह सॉफ्टवेयर्स वगैरह जब भी अपडेट होता है, सिर्फ ये मोटो एज 40 नियो या इसी डिवाइस के बारे में और अन्य डिवाइस में भी जब भी आप अपडेट करोगे, बहुत ही लिमिटेड बहुत ही कम चांसेस होता है कि ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। अब ये पहले समझ लो कि ये प्रॉब्लम क्यों देखने को मिलेगा। आप सोचोगे भाई सिर्फ तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है तो यहाँ 5G नेटवर्क का क्या इशू वगैरह आ गया। देखो, कभी कभी क्या होता है, जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना तो इंटरनेट को काम करने के लिए बैकग्राउंड में कुछ सेटिंग्स रहता है जिसको APN सेटिंग्स वगैरह कहा जाता है, इंटरनेट एक्सेस पॉइंट भी उसको कहा जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा माल फंक्शन हो जाता है। तो इन प्रॉब्लम को जो ना फिक्स करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, अपने मोबाइल के डेटा सेटिंग्स में जाकर के एक रीसेट का ऑप्शन रहेगा, रीसेट वाला बटन आप दबा दो, उसके बाद में क्या होगा कि आपको मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करना होगा। जैसे मोबाइल को रीस्टार्ट करोगे, मोबाइल का डेटा मोबाइल नेटवर्क जैसे टावर से कनेक्ट होगा, वहां से ऑटोमेटिकली एक नया APN आपके मोबाइल के अंदर में भेज दिया जाएगा, उसको बस सेव करो और आपका इंटरनेट काम करना स्टार्ट हो जाएगा। और 5G का जो भी इश्यू रहेगा वहां पे भी ये भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 5G देखो पूरा इंटरनेट से काम करता है और बहुत ही लिमिटेड अगेन यूजर्स को ये इश्यू देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके फोन में ये वाला प्रॉब्लम आता है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एंड दोस्तों, ये वाला प्रॉब्लम देखो बहुत ही कम यूजर्स को आता है, बट जिसको आता है बहुत परेशान हो जाते हैं। और ये सेटिंग्स करने के बावजूद भी अगर आपके फ़ोन पे इंटरनेट सेटिंग सही नहीं हुआ तो मेक श्योर करना है कि आप 5G नेटवर्क के दायरे में हो, वरना अगर 4G काम कर रहा है और 5G का नेटवर्क वहाँ पे दायरा में नहीं है, दूसरे फ़ोन में नहीं काम कर रहा है, तो वो तो भाई नेटवर्क का इश्यू है। बट हाँ, अगर दूसरे फोन में 5G काम कर रहा है, आपके फोन में अपडेट के पहले काम कर रहा था, अपडेट होने के बाद में नहीं कर रहा है, तो ये वाले सेटिंग्स को जरूर आप इस्तेमाल करना है। और तब पर भी इश्यू सॉल्व नहीं होता है तो आपको सिंपल से क्या करना है, बिल और बॉक्स लेकर के सर्विस सेंटर पे विजिट कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट में कंपनी आपको अगर ये हार्डवेयर इश्यू हुआ या फिर और भी दूसरा सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण से अगर आपके फोन में दिक्कत आए तो ये कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में रिपेयर करके दे देगी। बाकी गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, क्या आप में से किसी को एंड्रॉइड अपडेट होने के बाद में क्या इंटरनेट का इश्यू देखने को मिल रहा है, क्या 5G का इश्यू देखने को मिल रहा है, अगर इश्यू देखने को मिल रहा है तो आपने क्या किया जिससे प्रॉब्लम फिक्स हो गया, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चले। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, एंड हां, आपके फोन में भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगली वीडियो में हम उसको जरूर कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।